हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? तो थोड़ा सा सैड न्यूज कह सकते हो कि आज ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि आप सामने देख रहे हो। अगर आपने चेक कर भी लिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, नहीं किया तो चेक कर लेना। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज ही 29 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, और इसी में पटवारी की भर्ती जो थी अभी जो 10 जनवरी से एग्जाम होने वाले थे, इसको स्थगित कर दी गई है। आई फाइनल कब करवाएंगे, एग्जाम कब होने वाले हैं, उसकी डेट अभी तक निश्चित नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नॉर्मली कि 29/12/2020 को राजस्थान में के लिए गए निर्णय के अनुसार कुछ प्रशासनिक कारण है जिनकी वजह से ये भर्ती जो है वो स्थगित की जाती है। कारण क्या रहे हैं, क्यों की है, इसका अभी कोई स्पष्ट रीजन तो नहीं दिया गया है। लेकिन मुर्शी पटवारी की भर्ती जो होने वाली थी, अभी तो 10 ही दिन बचे थे, और आप लोगों ने काफी टाइम से हम सब मिलकर तैयारी भी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज भी कर रहे थे कि एग्जाम होने ही वाला है, कितने दिन के बाद होगा। अब सडनली जब एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन के बाद में करवा देंगे या 20 दिन के बाद में करवा देंगे। ऐसी कोई स्थिति होती तो शायद कैंसिल ही नहीं होता। और तो मान के चलिए कि कम से कम 1.5-2 महीना और टाइम होगा, जिसके बाद में ही अब तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अब ये एग्जाम होगा। हालांकि कैंसिल होनी नहीं चाहिए थी, और जो भी ये हुआ है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा गलत है, और मुझे भी थोड़ा सा सैड सा फील है, क्योंकि इतने टाइम से जब इतनी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, एंडिंग चरण पे थे, और सडनली इस तरह से किसी भी भर्ती का स्थगित हो जाना थोड़ा सा मनोबल गिरा देता है। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये है कि अभी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इस टाइम पर टेंशन लेते हैं तो जो भी तैयारी की है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। राइट, तो ठीक है, 1.5-2 महीना और से, जो इतने लंबे टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं, तो 1.5-2 महीने और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो एक बार आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर चेक करना चाहें तो कर लेना, या फिर टेलीग्राम पर मैं ये डाल भी देता हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। जो भी है थोड़ा सा बुरा है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही थी, और जितनी तैयारी कर रही थी उतनी तैयारी हो गई थी। अभी ज्यादा टाइम देने का मतलब है कि तैयारी खराब करना ही है एक तरीके से, लेकिन वो भी आप पे डिपेंड करता है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर दोबारा, अगर आपके जो भी आपकी टाइमिंग बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते रहे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले लीजिए कि थोड़ा रिविजन करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे थे पटवारी की, वो तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही, जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और रात को 8 बजे जो टेस्ट करते हैं वो तो हम आज ही करेंगे, तो वो टेस्ट कंटिन्यू देखना है। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टेस्ट में, जिसमें हम रोजाना सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं पटवारी के लिए, और आज का टेस्ट नंबर 11 है। और उन सबकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं रिविजन के लिए, तो वो टेलीग्राम पर आपको डेली मिली जाती है। राइट, चलिए, थैंक यू।